हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्यूरियस व्हील्स। दोस्तों, आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए रॉयल एनफील्ड की बुलेट क्लासिक 350। और दोस्तों, ये है BS6 वेरिएंट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस बाइक की हर एक डिटेल ऑन रोड प्राइसेस के साथ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल सके। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप रहें मेरी तरह ऑटो वर्ल्ड से अपडेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, आज मैं हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे और ये है मोटो राइडर्स रॉयल एनफील्ड। और चलिए दोस्तों, अब चलते हैं डीलरशिप के अंदर। और डीलरशिप की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक को परचेज करना, तो आप डीलरशिप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ बाइक के ऑन रोड प्राइसेस से। तो गाइस, बुलेट क्लासिक 350 स्टील ब्लैक का ऑन रोड प्राइस है 2,15,000। ये ऑन रोड प्राइजेस हैं बाइक के। और बाइक के प्राइस की कंफर्मेशन के लिए आप एक बार डीलरशिप से कांटेक्ट ज़रूर कर लें। डीलरशिप की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं बाइक के हाईलाइट्स की। तो अब आपको मिलता है बाइक में न्यू BS6 इंजन, जो कि बाइक के राइड को काफ़ी इम्प्रूव बनाता है। और आपको आता है बाइक में डुअल चैनल ABS, जो कि बाइक के राइड को काफ़ी सेफ बनाता है। और आपको आता है बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्ट सिस्टम। और ये आप देख रहे हैं स्टील ब्लैक कलर, ये न्यू कलर आया है थ्रेड इंसर्ट्स के साथ, जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी और क्लासी लगता है। और अब मैं बात करता हूँ बाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको आता है बाइक में 346 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 19.8 bhp और देता है 28 Nm का टॉर्क। और आता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और ये आप देख रहे हैं बाइक का फ्रंट व्हील। बात करते हैं बाइक के टायर साइज़ की। तो आपको मिलता है 90x90 R19 अलॉय व्हील्स। ये आप देख रहे हैं रेड इंसर्ट्स के साथ फ्रंट में अलॉय व्हील्स। और अब बात करते हैं फ्रंट डिस्क के डायर की। तो 11 इंचेस का मिलता है आपको फ्रंट डिस्क। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ABS डुअल चैनल की बैजिंग। आपको बाइक में डुअल चैनल ABS आता है, जो कि बाइक की राइड को काफ़ी सेफ और इम्प्रूव बनाता है। और ये आप देख रहे हैं बाइक का साइड लुक। और आपको बात करते हैं इंजन के कलर की। तो आपको मैट ब्लैक में इंजन का कलर मिलता है। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बाइक की साइड लुक। स्टील ब्लैक पे रेड इंसर्ट्स काफ़ी अपीलिंग लगते हैं। और ये आप देख रहे हैं बाइक की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे मिलता है आपको क्लासिक 350 की बैजिंग रेड इंसर्ट्स में। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये न्यू बुलेट। और आने वाले टाइम में आपको रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स की वीडियो भी मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। और ये आप देख रहे हैं बाइक का हैंडल बार। और यहाँ पे मिलती है आपको रेड लाइनिंग, ये स्पोर्टी रेड लाइनिंग काफ़ी अपीलिंग लगती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड का लोगो रेड कलर में। और साथ ही में मिलता है आपको फ्यूल टैंक पे ये प्रोटेक्टर, ये दोनों साइड में आपको प्रोटेक्टर मिलता है बाइक पे। और अब बात करते हैं बाइक के कंट्रोल्स की। तो लेफ्ट साइड में मिलते हैं आपको लाइट के कंट्रोल्स और राइट साइड में मिलते हैं आपको इग्निशन कंट्रोल्स। साथ ही में सर्कुलर शेप में मिलते हैं आपको बाइक के ORVM। और दोस्तों, अब बात करते हैं बाइक के स्पीडोमीटर की। तो सर्कुलर शेप में मिलता है आपको मिडल में स्पीडोमीटर और राइट साइड में मिलते हैं आपको वार्निंग्स। और ये आप देख रहे हैं बाइक की साइड प्रोफाइल। बाइक की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, सेपरेट सीट्स मिलती हैं बाइक में। और ये आप देख रहे हैं बाइक का रियर लुक। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बाइक का रियर लुक। हेलोजन टेल लैंप्स और इंडिकेटर्स आते हैं आपको क्लासिक 350 में। और अब बात करते हैं बाइक के रियर टायर साइज़ की। तो आपको मिलता है 110x90 R18 के व्हील साइज़। साथ ही मिलता है आपको अलॉय व्हील्स। ये आप देख रहे हैं बाइक का रियर व्हील। और बात करते हैं बाइक के रियर डिस्क के डाया की। तो 9.4 इंचेस का मिलता है आपको रियर डिस्क डाया। और यहाँ मिलता है रेड कलर का रॉयल एनफील्ड का लोगो। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाइक के रियर सस्पेंशन की। तो आपको मिलता है बाइक में ट्विन गैस चार्ज विद शॉक एब्जॉर्बर। ये आप देख रहे हैं बाइक का रियर सस्पेंशन। और यहाँ पे मिलता है आपको एग्जॉस्ट पाइप। और अब सुनते हैं बाइक के एग्जॉस्ट की साउंड। तो गाइस, ये थी बाइक के एग्जॉस्ट की साउंड, ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट की साउंड थी। और अब बात करते हैं बाइक के वेट की। तो आपको मिलता है बाइक का 192 kg का वेट। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी रॉयल एनफील्ड की ये न्यू बुलेट BS6। और दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वो बाइक्स भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।